नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरह से बड़े बड़े बॉलीवुड हस्तियों का नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं महेश भट्ट का भी नाम शामिल था। कुछ दिन पहले भी सीबीआई की टीम ने महेश भट्ट से काफी पूछताछ की थी, लेकिन कोई भी बड़ा सबूत हाथ नहीं लगा जिसके कारण महेश भट्ट को गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, महेश भट्ट को लेकर उनके भांजे यानी कि महेश भट्ट के जो भांजे हैं उनकी बीवी लुवीना लोध ने एक बड़ा खुलासा किया। बताया जा रहा है कि महेश भट्ट के भांजा वो हर चीज जान रहे थे सुशांत सिंह राजपूत और महेश भट्ट के बारे में, जो कि वो मीडिया में बताने वाले थे, सीबीआई को वो बातें बताने वाले थे, जिसके कारण महेश भट्ट ने एक बड़ा साजिश रचा और उसी के खिलाफ महेश भट्ट ने अपने भांजे को ड्रग और लड़कियों के सप्लाई के मामले में उन्हें फंसा दिया, जिसके बाद उनकी बीवी यानी कि महेश भट्ट के भांजे की बीवी जो है लुवीना लोध ने ये साफ साफ कह दिया कि महेश भट्ट जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और अब बताया जा रहा है लुवीना लोध के द्वारा कि महेश भट्ट का वो काला करतूत जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं महेश भट्ट का सबसे बड़ा हाथ था। तो अब देखने वाली बात है कि क्या ड्रग मामला और लड़कियों के सप्लाई के मामले में लुवीना लोध के पति यानी कि महेश भट्ट के भांजे को गिरफ्तार किया जाता है, या फिर सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम महेश भट्ट से पूछताछ करती है लुवीना लोध के इस स्टेटमेंट पर। लुवीना लोध का ये स्टेटमेंट इस तरह का था जिससे सीबीआई की टीम ये साफ साफ पता लगा सकती है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस रात क्या हुआ। और बात यही नहीं रुकती है, ड्रग मामला और लड़की के सप्लाइयों के लिए आखिर महेश भट्ट भी इसमें कोई ना कोई जिम्मेदार है, जिसके बाद अब सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि महेश भट्ट से अब सीबीआई की टीम फिर से पूछताछ करेगी सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर, ड्रग मामले को लेकर उन्हें फिर से कस्टडी में लिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि क्या लुवीना लोध का यह स्टेटमेंट सही निकलता है, क्या महेश भट्ट को सीबीआई की टीम गिरफ्तार करती है, क्या उनसे पूछताछ होती है। जैसे इसके बारे में कोई नया सबूत सामने आएगा मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।